A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को. तो साइंस एमसीक्यूज के जरिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो. टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे भी आपको शेयर किया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. पहला सवाल जो है वो है अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमने उसको एनसीईआरटी साइंस में ही नहीं पढ़ा, हम उसको साथ में पॉलिटी की जो एनसीईआरटी होती है, सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी होती है, उसमें भी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. तो जब हम सोशल साइंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगी. बट सिंस आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है विद इन इंडिया कमेंस्ड इन 1968 में ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ था, पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट आपको कहता है कि द मेन कंसर्न्स ऑफ दिस रिवॉल्यूशन इज टू क्रिएट अ डिजीज रेजिस्टेंट शुगर केन वेराइटी. तो सिर्फ गन्ने की जो वेराइटी है उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी. तीसरी स्टेटमेंट कहती है सोनालिका इज अ हाइब्रिड इंडियन हाइब्रिड ऑफ मेज दैट इज हाई यील्डिंग. तो ये बोल रहा है कि सोनालिका जो है एक मेज की जो है वैरायटी है, राइट. तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसमें से क्या सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी तो बताइए. ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है 1968 में होती है ये आप सब जानते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, राइट. तो ए सी और ए बी भी इसके साथ में दिया गया है तो आप बताइए. देखिए दूसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है. कैसे हो जाता है बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? सिर्फ और सिर्फ ये शुगर केन के लिए शुरुआत नहीं हुआ था, ये हम लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जब हुई थी इंडिया में वो बेसिकली इसलिए हुई थी ताकि इंडिया एज अ कंट्री जो पूरा का पूरा जो फूड ग्रेन्स है उसके अंदर सफिशियंट हो जाए, हम इतनी फूड ग्रेन्स को लगाना शुरू कर दें कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े कहीं से, स्पेशली व्हीट का. तो इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी. बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम सोशल साइंस की जो एनसीईआरटीज पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था पीडीएफ से आप देख सकते हैं. 1960s में स्टार्ट हुआ था. मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम इन विच एग्रीकल्चर इन इंडिया वॉज कन्वर्टेड इन टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम बाय अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए थे? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज किए गए थे. मैकेनाइजेशन शुरू हो गई थी, जो पहले नॉर्मल हल चलाया जाता था उसकी जगह पे अब ट्रैक्टर का यूज़ होने लग गया था. इरीगेशन फैसिलिटीज़ को एनहांस किया गया था, कनाल सिस्टम को एनहांस किया गया था. पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाने लगे थे एग्रीकल्चर में और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा था. तो ये कुछ चीज़ें थी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट बनती है. ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? एमएस स्वामीनाथन जो है हमारे साइंटिस्ट, उनको इसका श्रेय जाता है. तो ये सारी बातें हैं. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए नहीं हुई थी, तो वीट वॉज द मेन कंसर्न. एंड सेकेंड जो थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है? सोनालिका के बारे में दिया गया था. तो सोनालिका क्या है? सोनालिका जो है सोनालिका और कल्याण सोना ये वैरायटी ऑफ वीट है. तो ये मेज़ की वैरायटी नहीं है, वैरायटी है किसकी? वीट की. तो अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल जो है स्टेट पीसीएस में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है. सो क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए. अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उसमें आपसे एक टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है, MOET. तो MOET क्या है? इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेड यील्डिंग क्वालिटी एंड क्वान्टिटी विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट MOET. तो MOET जो है वो एक तरीके की टेक्निक है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होता है. MOET स्टैंड फॉर मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो यही है MOET, इसी का ही एक्रोनिम है. MOET क्या होता है? मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो अगर आप बात करते हैं, अगर नॉर्मल कोर्स की बात की जाए तो एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. कैटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक सिंगल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. बट MOET टेक्निक के जरिए जो इस तरीके के हॉर्मोन्स दिए जाते हैं कैटल को जिसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? मल्टीपल ओवल्यूशन शुरू हो जाता है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? काउज आर एडमिनिस्टर्ड विद LH लाइक हॉर्मोन विच रिजल्ट इन टू द सुपर ओवल्यूशन. थर्ड स्टेटमेंट है सुपर ओवल्यूशन प्रोड्यूस 6 to 10 एग्स एंड MOET हैज बीन यूज फॉर कैटल शीप रैबिट्स एक्सेट्रा. तो बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या इसमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं दिए हुए किसी भी ऑप्शन में, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है. ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, AD, BD इनकरेक्ट है, कौन सा है? देखिए MOET का जो फुल फॉर्म दिया गया है वो एकदम सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसी के अंदर क्या है? देखो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट.
कैटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, शीप रैबिट सबके अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन LH हार्मोन नहीं दिया जाता, FSH हार्मोन जो है वो दिया जाता है। जो मैंने आपको हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था LH का फंक्शन क्या है, FSH का फंक्शन क्या है, अदर सेक्सुअल हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, अगर बाकी की बॉडी में कितने तरीके के हार्मोन्स होते हैं उनके क्या क्या रोल है, तब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो MOET में होता क्या, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, MOET में क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं उनको हार्मोन इंजेक्शन दिए जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, एक ओवम की जगह पे मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस होंगे, 6 to 8 ओवम प्रोड्यूस होंगे, और जब उसे फर्टिलाइज किया जाएगा, फर्टिलाइज किससे किया जाएगा, फर्टिलाइज भी आप सिलेक्टेड वेराइटी के जो एनिमल है उसी के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा। तो जब उसको फर्टिलाइज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, हाई यील्डिंग वेराइटी जो एम्ब्रियोज जो है उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करते हैं। मतलब कैटल के केस में क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी जो होती है मिल्क गिविंग या जिस भी पर्पस के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सिलेक्शन का मेथड है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मेथड है, राइट। तो सुपीरियर ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो प्रोड्यूस होते हैं। सो यू कैन टोटली रीड दिस। इस तरीके के सवाल देखिए UPSC भी पूछती है, इस तरीके के सवाल जो है स्टेट PCS भी हमेशा पूछते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिसाइल्स, वॉरहेड, इन सब चीज़ों से जो लेटेस्ट चल रहा होता है ना उसके बारे में सवाल आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स, सो यू शुड नो इसमें क्या होता है। यू कैन रीड दिस फ्रॉम PDF। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच कौन सा है अबाउट द स्फिंक्टर एंड वॉल्व विद देयर लोकेशन। अब स्फिंक्टर और वॉल्व होते क्या है, स्फिंक्टर और वॉल्व आप ये समझ लीजिए एक तरीके के गेट्स है, मतलब कोई एक पैसेज है जहाँ पर आपने गेट लगा रखा है या कोई आपने बैरियर लगा रखा है। तो देखिए आप कभी कभी देखेंगे जब आप किसी मॉल में जाते हैं, आपके घर में भी होगा, कुछ दरवाजे हम एक ही तरफ खोल सकते हैं, है ना, दोनों तरफ नहीं खुलेंगे वो दरवाजे, एक ही डायरेक्शन में उनका ओपनिंग होगा, यार आप इसको धक्का मार के ही जा सकते हैं, तो पुल करके जा सकते हैं, तो पुश करके जा सकते हैं। यही हमारे स्फिंक्टर्स का रोल होता है। स्फिंक्टर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में बना रहे। तो अब ये स्फिंक्टर्स की बात हो रही है, जो पहले बात कर रहा है स्फिंक्टर ऑफ OD। तो स्फिंक्टर ऑफ OD का होता है हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है। दूसरा पूछ रहा है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, ईसोफेगस का मतलब ईसोफेजियल, तो ओपनिंग ऑफ स्टमक ऑफ द ईसोफेगस इनटू स्टमक, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। तो ईसोफेगस जहाँ से जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है हम उसे खाना स्वॉलो करते हैं, तो ईसोफेगस जहाँ पे स्टमक के साथ कनेक्ट होती है वहाँ पे वो स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी में क्या, ओडी में कहाँ पे लगा होता है, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो लिवर से और जो पेंक्रियास से जो मिलके जो डक्ट बनती है वहाँ पे लगा होता है। ये बता रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे लगा हुआ है, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। स्टमक जो होता है इंटेस्टाइन में खुलता है, इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है, तो उस जगह पे लगा होता है। इलियोसीकल वॉल्व, इलियोसीकल वॉल्व कहाँ पे लगा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इनटू रेक्टम। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसके अंदर से गलत है। तो ये सवाल कौन सॉल्व कर पाएगा, इसके जवाब देने की कोशिश करिए, ये सिर्फ वही इंसान सॉल्व कर पाएगा इस सवाल को जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही तरीके से NCERT से पढ़ा है, तो आप सॉल्व कर पाओगे। जब मैंने आपको NCERT सीरीज में NCERT की किताबें पढ़ाई थी तब मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर्स है वॉल्व्स है उनके बारे में पढ़ाया है, राइट। तो इसका सही जवाब है डी, मतलब डी जो है वो गलत जो है। लार्ज इंटेस्टाइन और से रेक्टम की तरफ नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग करता है इलियोसीकल वॉल्व। रेस्ट तीनों सही है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे लगा होता है, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो लिवर से और पैंक्रियास से मिलकर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में खुलती है वहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, ईसोफेगस जहाँ स्टमक में खुलती है। तभी आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको जिसे खट्टी डगारे आना बोलते हैं, तो जो स्टमक का जो एसिड है वो स्फिंक्टर की, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो वो उस स्फिंक्टर को क्रॉस करके भी बाहर आ जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई दरवाज़ा बना रखा है तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही रोक पाएगा। मान लीजिए बहुत सारी भीड़ आ गई तो वो उस दरवाजे को तोड़ देगी ना, तो ऐसा ही कुछ होता है। बहुत ज़्यादा एसिड अगर हो गया तो वो वापस आएगा, उससे नॉर्मल कोर्स में वो दरवाज़ा रोक देगा उसे, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इलियोसीकल जो वॉल्व होता है वो क्या करता है, इलियोसीकल वॉल्व जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। और क्या काम करता है, प्रिवेंट एनी बैक फ्लो ऑफ फीसेस, जो भी फीकल मैटर प्रोड्यूस होता है हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस नहीं जाने देगा, ये उसका रोल होता है। तो आप ये बहुत अच्छा PDF है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लेना रिविजन के लिए। जितने भी मैं सवाल आपको यहाँ पे बताती हूँ वो आपको नॉर्मल सीरीज में सवाल नहीं मिलेंगे, अगर आप कहीं और पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो। यहाँ पे जो मैं सवालों का सिलेक्शन करती हूँ वो इसी बेसिस पे करती हूँ कि आपको उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो, आपका रिविजन हो उससे, क्योंकि ये रिविजन सीरीज है हमारी। सो यू कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन।
अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन इन माउथ। माउथ की बात की जा रही है, माउथ में क्या चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता ये पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है स्टार्च का एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन माउथ, ये पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टार्च जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है माउथ में। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लोअर साइड ऑफ द टंग, जो हमारे टंग की लोअर साइड है, नीचे वाली साइड है, उसके अंदर कैपिलरीज होते हैं जो कि ब्लड से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी चीज़ को, एंड जो भी कुछ एब्जॉर्ब होगा उन कैपिलरीज के थ्रू सीधा ब्लड में चला जाता है। पीएच ऑफ द माउथ इज स्लाइटली एसिडिक। सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा, कुछ जो ड्रग्स होती हैं जब म्यूकोसा के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो म्यूकोसा के साथ टच में आती हैं तो कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये आपको पता है। ग्लिसरीन ट्राइना जीटीएन जो अब ड्रग है एंजाइना के लिए हम यूज़ करते हैं, एकदम से मुंह में रखते हैं और मुंह में घुल जाती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। पीएच जो होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टार्च का एब्जॉर्प्शन माउथ में होता है, तो स्टार्च का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टार्च का क्या होता है, डाइजेशन होता है, सिर्फ डाइजेशन शुरू होता है माउथ में, तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा स्टार्च का माउथ में, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डाइजेशन होगा माउथ में। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत था। तो अगर हमने जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बार बार आपको ये चीज़ बताई थी कि जो पहला डाइजेशन का प्रोसेस है, हम जैसे ही मुंह में खाना खाते हैं वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग, तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन होगा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दैट वॉज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड फ्रॉम PDF। ये देखिए टंग के नीचे, अगर आपको अपनी टंग को ऊपर उठा के देखेंगे शीशे में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज नजर आएंगी जो कि ब्लड वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है। तो कैपिलरीज बहुत थिन होते हैं, कोई भी चीज आप खाओगे वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। आखिरी सवाल जो है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलॉइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोलॉइड इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर, वो एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है। सेकेंड कहता है कि कोलॉइड पार्टिकल्स आर एबल टू स्कैटर लाइट एंड मेक देयर पाथ विजिबल। थर्ड है दे सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, एंड फोर्थ है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर कोलॉइडल सेपरेशन, राइट। तो चार स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कोलॉइड्स के बारे में है चारों स्टेटमेंट। आपको बोला जा रहा है कि कोलॉइड क्या होता है, तो कोलॉइड जो होता है, पहला स्टेटमेंट कहता है हिट्रोजीनस मिक्सचर, ये कहाँ से उठाया गया सवाल है, अभी तक के सारे सवाल जो थे एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स के बारे में, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में। तो कोलॉइड जो है हिट्रोजीनस मिक्सचर है, कोलॉइड के पार्टिकल लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं। गलत स्टेटमेंट इसमें से है थर्ड नंबर का स्टेटमेंट, जब इसको आप छोड़ देंगे तो लेफ्ट अनडिस्टर्ब तो ये सेटल डाउन नहीं होता, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोलॉइड जो मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कोलॉइड की, कोलॉइड इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर। हीट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, मिक्सचर जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी है। मतलब अगर कोलॉइड का अगर आपने एक ग्लास में रख दिया उसको, तो अगर आप देखेंगे अलग अलग लेयर्स में उसकी कॉम्पोजिशन आपको अलग अलग मिलेगी, अलग अलग, तो उसे कहते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर। अगर कॉम्पोजिशन सेम रहती है तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजेनिटी मेंटेन्ड है। कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं इतने साइज जो होता है उसका इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ेगी। कोलॉइड जो होता है उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं लेकिन कि वो लाइट की बीम को स्कैटर कर देंगे, इतने भी छोटे नहीं होते कि हम उसको लाइट की बीम को स्कैटर न कर पाएं, उतने बड़े ज़रूर होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं। कोलॉइड जो होता है वो कभी भी अगर आप उसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब कर देंगे तो आप वो सेटल नहीं होता, सेटल नहीं होगा, तो ये उसका एक प्रॉपर्टी है। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से भी आप कोलॉइड मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। इसको हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था और अभी हमने पीडीएफ में आपको मैंने डिटेल में दिया भी है और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा काफ़ी चीज़ें और आपकी रिविजन भी हुई होगी। आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड पर मैं एक कंसोलिडेटेड लेक्चर भी लेकर आऊँगी जिसमें कि मैं हर एक क्लास की जो एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी स्पेशली, उसको लाइक क्लास सिक्स का एक लेक्चर, क्लास सेवन का एक, और इस तरीके से मैं आपको, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगी बिकॉज डिटेल मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।